जजिए जा जी जजिए जा आरसीएम के संग जिए जजिए जा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रविंद्र, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लव हरी दोस्त, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक रेसिपी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम किचन में आ गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना है, काफी इंटरेस्टिंग आज का रेसिपी है। आज हम बनाने वाले है गुडॉट प्रोड्यूस से हम बनाने वाले है प्रोटीज बर्फी, जो की काफी हेल्दी है और काफी पॉपुलर डिश है, काफी डिमांडेड ये रेसिपी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर जो बर्फी बनता है उसका एक वीडियो बनाइए, तो उसके ऊपर आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, तो एंड तक वीडियो में बने रहना है। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है और वीडियो को अभी से कर देना है लाइक। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रोटीज बर्फी हम बनाने जा रहे हैं, तो हम देख लेते हैं क्या क्या सामग्री इसको हमें लगने वाली है। ये जो प्रोटीज आप देख पा रहे हैं, इसको हमने क्रश करके ले लिया है, इसको मिक्सर में से बारीक पाउडर उसका बना लिया है। साथ में हमने ये गेहूं का आटा ले लिया है, ये शुगर है और ये बेसन पीठ है। तो दोस्तों, लगभग हमने 200 ग्राम बेसन पीठ लिया है और 50 ग्राम प्रोटीज हमने लिया है। साथ में ये शुगर है और ये थोड़ा सा हमने 50 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और ये साथ में हमने राइस ब्रैन ऑयल ले लिया है। आप चाहिए तो घी में भी बना सकते हैं या फिर आप वनस्पति घी में भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमने गैस चालू कर दिया, हमने कढ़ाई रख दी है, उसके अंदर हमने राइस ब्रैन ऑयल ले लिया है। अभी हम भून लेंगे जो हमारा बेसन पीठ है, जो चना दाल का आटा है, उसको हम भून लेंगे ऑयल गर्म होते ही, और साथ में गेहूं का आटा भी इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद में हम उसको अच्छा सा भूनने के बाद प्रोटीन भी उसमें ऐड करेंगे, जो कि हमने क्रश करके लिया है। तो दोस्तों, आपको एक ध्यान रखना है, प्रोटीन थोड़ा कम क्वांटिटी में लेना है ताकि ये भीगने के बाद में ये फूल जाता है, आपको तो पता है प्रोटीन, और उसको अच्छा सा पाउडर करके ले लेना है। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है, हम ये बेसन का आटा थोड़ा थोड़ा इसमें कढ़ाई में ले लेते हैं और इसको हम अच्छा सा भून लेंगे, और फ्लेम आपका कम ही रखना है आपको गैस पे, ताकि ये ना लगे नीचे। हम ये गेहूं का आटा जो है वो भी साथ में इसके अंदर मिक्स कर ले है, ऐड कर लिया है, अच्छा सा उसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स हो गया है, इसको हमें सोते करते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, और अच्छा सा ब्राउन इसको होने देना है, जिससे ये अच्छा सा भुन जाएगा तो ये ऑयल छोड़ेगा, और जैसे जैसे ये भुनना चालू हो जाता है इसकी काफ़ी सुनहरी सी खुशबू भी आती है। तो दोस्तों, हम अभी ये जो हमने बेसन पीठ और जो गेहूं का आटा है उसको अच्छा सा भून लिया है, हम ऐड कर रहे हैं अभी प्रोटीज, हमने थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर डाला है और हम प्रोटीज ऐड कर रहे हैं, इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे, उसके बाद में इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो काफ़ी सुनहरी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है, क्योंकि जो बेसन पीठ है और जो गेहूं का आटा है वो अच्छी तरह से भून लिया है, हमने अभी प्रोटीज भी ऐड कर लिया है, प्रोटीज की भी अच्छी सी खुशबू आ रही है, हम इसको अभी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसको दोस्तों लगातार आपको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो दोस्तों, फाइनली इसको अच्छा सा हमने भून लिया है, प्रोटीन भी अच्छी तरह से फूल गया है इसमें, आप देख सकते हैं सामने, और काफ़ी अच्छी सुनहरी सी खुशबू आ रही है, उसका कलर भी ब्राउन हो गया है। अब हम बना लेंगे चाशनी। तो दोस्तों, हम दूसरी कढ़ाई रख दिए है और उसके अंदर हमने डाल दी शक्कर चाशनी बनाने के लिए, और साथ में हम ऐड करेंगे उसमें पानी। तो दोस्तों, पानी आपको काफ़ी कम मात्रा में, ज़्यादा पतला इसको करना नहीं है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, जिस अनुपात में शुगर है उस हिसाब से अच्छा सा, मतलब शुगर भीग जाए, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है चाशनी आपको और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे।
आप चाहिए तो इसके अंदर फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इलायची वगैरह है, पिस्ता है, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो चाचनी इसमें हम फ्लेवर डाल रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं केसर। आप चाहिए तो इलायची डाल सकते हैं, केसर अवेलेबल तो केसर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा चाशनी रेडी हो गया है, इसको उबला आ गया है। हम अभी इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने मिश्रण बनाया था प्रोटीज और बेसन बीट का, उसको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों इस मिश्रण को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मिश्रण अच्छा सा मिक्स हो गया है। हम इसको थोड़ी देर गैस पे चलाएंगे धीमे आंच पे, ताकि अगर थोड़ा फार कच्चा हो तो वो पक भी जाए। और जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली एनिवर्सरी में जिन्हों जिन्होंने फ्रूटीज बर्फी टेस्ट किया, काफ़ी लजीज उसका टेस्ट था और काफ़ी लाजवाब वो बनता था, तो इसलिए आज हमने सोचे कि क्यों ना हमारे जो दर्शक है उनके साथ में फ्रूटीज बर्फी की रेसिपी शेयर की जाए। काफ़ी लजीज इसका टेस्ट होता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। आपको पता है फ्रूटीज में कितना प्रोटीन होता है। तो दोस्तों अभी ये लगभग हो गया है, हमने गैस बंद कर दिया है। हम इसको अभी ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में हम इसको एक प्लेट में, जैसे कि बर्फ़ी हम आमतौर पे लगाते हैं, एक प्लेट में लेके उसको अच्छा सा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद में इसको हम कटिंग करेंगे बर्फ़ी के टाइप। तो एक प्लेट है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा उसको घी लगा लिया है ताकि ये नीचे ना चिपके। इसके अंदर अब जो हमने जो बैटर बनाया है प्रोटीज बर्फी का, वो उसके अंदर डालेंगे और उसको अच्छा सा ठंडा होने देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हम अच्छा सा प्लेट के अंदर थोड़ी देर के लिए लगा के रख देंगे ठंडा होने तक, ताकि ये सूखा हो जाए। अभी थोड़ा ये गीला गीला लग रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने इसको प्लेट में अच्छा सा लगा लिया है। अभी इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद में उसको आप परोस सकेंगे। काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों फाइनली हमारी प्रोटीज बर्फी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बनी है। हमने इसके अच्छे तरह से पीसेस कर लिए हैं और इसका टेस्ट भी काफ़ी लाजवाब बना है। तो दोस्तों इसी तरह से काफ़ी आसानी से आप घर पर ही गुड और प्रोटीज बर्फी आप आराम से बना सकते हैं काफ़ी ईजीली। तो आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है आपके दोस्तों में, ताकि वो भी प्रोटीज बर्फी का आस्वाद ले सके। तो दोस्तों एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे, आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और दोस्तों आपने सब्सक्राइब किया है, बेल बटन नहीं दबाया है तो बेल बटन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि ऐसे ही नए नए रेसिपीज़, वीडियोस, आरसीएम के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय आरसीएम। समय की दौड़ में चले जमाने के।